यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंच इसको खोलते हैं और इस करते हैं ऊपर। ओ भाई साहब, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? अभी हम जिंदा हैं। काफी दिनों के बाद जो है अभी फिलहाल जो है व्लॉग डाल रहा हूँ, एंड अभी जो है फिलहाल अभी स्टूडियो का व्लॉग डाला है, उस पर जो है आपने काफी अच्छे व्यूज दिए हैं। 1K व्यूज जो है हो चुके हैं अप्रोक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फाइनली सामान जो है सारा आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा सामान जो है आ चुका है, एंड यहाँ पर भी कुछ सामान रखा है और यहाँ पर भी रखा है और कुछ मेज वगैरह इसके नीचे भी मैंने रख रखा है। तो सामान आ चुका है, लेकिन हमारे जो है मामा जी हैं उनके कबाड़ में भी कुछ ऐसी खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं, उसमें से मुझे एक खतरनाक चीज़ मिली है जो कि आपको दिखानी चाहिए व्लॉग में, काफ़ी मजा आएगा। व्लॉग को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखा, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको काफ़ी मस्त मस्त व्लॉग मिलने वाले हैं और डेली भी आपको बीच में व्लॉग मिल सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो मस्त चीज क्या है। तो देखिए गाइस, ये जो आप देख रहे हैं पता नहीं क्या चीज़ है, चलो पहले मैं आपको इसे निकाल कर दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, इस तरीके का ये है, पता नहीं ये एम्पलीफायर है, अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पावर लिखा हुआ है इसका, पता नहीं कौन सी पावर लेगा ये। ओहो, ये जो है 220 वोल्ट ऐसे लेने वाला है, और इसे खोलते हैं। अभी मैंने भी फिलहाल खोल कर इसे नहीं देखा है। भाई साहब देखिए कितना लंबा वायर दे रखा, मतलब यार इतना बड़ा वायर। तो सबसे पहले इसे ऐसे ही खाली चेक कर देखते हैं चलता है या नहीं। किधर लगाएं, ये वाला हटाते हैं, इसे लगाते हैं पर चल के, और इसे लगाते हैं इधर। ये लग चुका है प्लग, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ चुकी है, बट ये कुछ घूम घाँ कुछ नहीं कर, करंट भी नहीं मार रहा, और यहाँ से वॉल्यूम भी सब फुल है, देखिए LED हिल चुकी है। गाइस हमारा एम्पलीफायर, पता नहीं एम्पलीफायर ही है या नहीं, फिलहाल एम्पलीफायर ही जो हमारा चल रहा है, इसमें जो है LED जल रही थी बट अब जो है बंद हो चुकी है। तो अभी इसे खोलते हैं, इसके अंदर है क्या, अंदर का कीड़ा भी मारना है कि इसके अंदर है क्या चाहिए। चलो इसे खोलते हैं और अपने अंदर का कीड़ा मारते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करता हूं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंच इसको खोलते हैं और इस करते हैं ऊपर। ओ भाई साहब देखिए गाइस, ये जो है एम्पलीफायर ही है। पहले जमाने में रेडियो वगैरह चलती थी ना बैटरी, मतलब पहले जो है आप जो है उसे चार्ज कर सकते हो या डायरेक्टली जो है चला सकते हो, और लाइट भागने पर उसे जो है बैटरी से चला सकते हो। तो देख सकते हो वही सिस्टम है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यूनिक से चीज मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, बट इसका तार जो है यहाँ पर आप देख सकते हो टूटा हुआ है, और ये एक ट्रांसफॉर्मर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मदरबोर्ड लगी हुई है यहाँ पर आप देखिएगा। तो गाइज इसकी बैटरी इसमें से जो है इस तरीके की बैटरी निकली है, बट ये जो है ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं FM की बैटरी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी कंडीशन आप देख सकते हो बिल्कुल बेकार, एंड एक वायर इसका ये रहा, बट ये हम जो ये वाला नहीं लगाने वाले, इसे जो है जहाँ से जो इस ट्रांसफार्मर में पावर जा रही है हम वहाँ से देने वाले। तो ये जो आप देख रहे हो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखिए गाइज एक वायर इसका ये वाला है ब्लू वाला, एंड एक ये जो है ब्लैक आप देख रहे हो, एक ब्लैक यहाँ पर लगने वाला है, ये जो है प्लस है, एंड ये जो है इसका आप ब्लू देख रहे हैं इसका माइनस है। तो यहाँ पर बैटरी का वायर लगाते हैं लैपटॉप बैटरी के, और फिर देखते हैं ये चलता है या नहीं। गाइस बारिश बहुत तेज पड़ रही है बाहर, और यहाँ पर हम लगे पड़े हैं अपने काम पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने एम्पलीफायर में जो है दो वायर निकाल लिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इसे यहाँ पर लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर रेड कलर की LED जो है जल चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो, और बट ये जो है अभी चल नहीं रहा, ये जो आप स्पीकर देख रहे हो ये घूम घा कुछ नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरीके से स्पीकर में तार जोड़ लिए हैं, एक एक तार जो इसमें टच कर देखते हैं, जहाँ पर जो इसमें चैनल आएंगे वहीं पर जो इसे चेक करेंगे कि यहाँ पर सही चलता है या नहीं। ये रहा स्पीकर, और इसका एक वायर यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से स्पीकर में जो लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मदरबोर्ड में आ रहा है उसका एक वायर जो है सीधा बैटरी पर जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे जो है इस तरीके से टच कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और भाई साहब अब इसे चेक करते हैं सब में कहाँ पर ये जो है चलता है। और गाइस ओ हो पता चल गया,
देखिए गाइस, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको पास से दिखाना चाहूँ, देखिए गाइस यहाँ पर जो है ग्रीन वाले वायर पर जो है काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर इसे जो है टच करते हैं। तो गाइस उम्मीद नहीं थी कि ये FM चलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छे से ये जो है चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें एक एंटीना का वायर बांधते हैं और इसके देखते हैं चैनल कुछ आते हैं या नहीं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एंटीना का इस तरीके से वायर, मतलब ऐसे ही जो है जुगाड़ कर कर इसमें कट लगा कर और इस तरीके से इसमें जो है बांध दिया है, ताकि थोड़े बहुत जो है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है कैच कर पाए। तो अब इसे यहाँ पर इसको लगाते हैं। तो गाइस ये रहा स्पीकर का वायर, अब चेक करते हैं कुछ चलता है नहीं। और ये अब यहाँ से इसका चैनल बदलता हूँ, कुछ चलता है नहीं। ओ भाई, ओ देख सकते हो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ देखे मतलब यार ये स्पीकर चल रहा है, देख सकते हो। ये तार हटाता हूँ बंद और ये लगाता हूँ, देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखे गाइस काफी अच्छे से चल रहा है। चैनल बदलता हूँ इसका, देखिए गाइस एक म्यूजिक यहाँ पर आ रहा है, बट अभी थोड़ा जो है फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ पा रही। आगे चलते हैं और गाइस यहाँ पर एक म्यूजिक मिल चुका है, देखिए इसकी ऑडियो फुल है, देखिए गाइस ऑडियो फुल इधर से होती है, देखिए ऑडियो फुल है इस टाइम और देखिए सुन सकते हो गाना चल रहा है। ओ भाई साहब उम्मीद नहीं थी कि ये चलेगा, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छे से हमारा एम्पलीफायर काम कर रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, मतलब चैनल भी इसके अंदर काफी अच्छे से आ रहे हैं और म्यूजिक भी बज रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आप स्पीकर देख रहे हो, हमने जो ये वाला बजाया, इसके वायर जो है जहाँ पर इसके वायर लगाए इसके लगाते हैं और इसे फेक करते हैं। चलो इसे फेक करते हैं, फिर इसकी मजेदार से टेस्टिंग करते हैं। तो चलो गाइस अब चला गए इसको देखते हैं। तो ये रहे इसके बैटरी के वायर, पहले बैटरी के वायर लगाते हैं इसके। इस तार लगा दिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चल भी गया और इसके अंदर जो है आवाज़ भी आ रही है, देखिए आवाज़ बढ़ाता हूँ देख सकते हो। तो यहाँ से इसकी आवाज़ बढ़ाते हैं, चैनल बदलता हूँ। इसका वायर एंटीना का सूर्य लाइट से टच करते हैं, ताकि थोड़े सिग्नल आए। और इस तरीके से टच करते हैं। तो अब इसके चैनल बदल कर देखते हैं, ऑडियो बढ़ाते हैं। काफी अच्छे से हमारा FM जो है चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, बट इसके अंदर जो है सिर्फ दो ही चैनल आ रहे हैं। देखिए गाइस एक ये है और एक पीछे करता हूँ, एक ये हल्का सा आता है और एक ये है USA का डिपार्टमेंट है। सो फाइनली गाइज हमारी FM रेडियो जो है चल चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये जो है काम भी कर रही है। लैपटॉप की बैटरी से फिलहाल मैं चला रहा हूँ और ये इसका एंटीना वायर है। और गाइज इसकी खासियत ये है कि मतलब ये इसके अंदर जो स्पीकर लगा हुआ ऊपर की साइड, और इसके अंदर ये वाली LED फिलहाल अभी नहीं जल रही, और इससे जो आप वॉल्यूम कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो, और इसमें ही ऑफ ऑन का बटन लगा हुआ है। देखिए गाइस ये बंद है, ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे वॉल्यूम कर सकते हैं एंड इससे जो आप चैनल वगैरह जो है चेंज कर सकते हो। इस तरीके से FM जो है चालू निकली, बस इसके अंदर जो है ख़राब बैटरी निकली थी, मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ ये रही।
तो गाइस ये वाली बैटरी जो है इसके अंदर खराब निकली। फिलहाल हम जो है इसका कोई काम नहीं करें, इसका कोई काम नहीं है, तो इसे मारते हैं कबाड़े में फेंक कर। वो काफी अच्छे से चल रहा है, आप भी अपने कबाड़े में से लिखा कर और जो है इस तरीके से ठीक वगैरह कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको व्लॉग में काफी मजा आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आगे जो है रेगुलर व्लॉग मिल सकता है, सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।